आपका स्वागत है हमारी डेली लाइफ पर। आज हम बनाएंगे चावल का खीर। तो हमने 2 मुट्ठी चावल भिंगा के रखा हुआ था। यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है। हमने यहाँ पर नारियल को कद्दूकस कर लिया है। हमने यहाँ पर किशमिश लिया है और हमने यहाँ पर काजू काट के रख लिया है। अब चलिए हम आपको आगे का तैयारी करते हैं। चलिए हम सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। हमने यहाँ फुल मिल्क क्रीम लिया है, 1.5 लीटर लिया है हमने। अब हम इसमें सारा दूध डाल देंगे। अब हम इसको खोलने देंगे। अब देख सकते हैं हमारे दूध गर्म हो गया है, खोलने भी लगा है। थोड़ा सा हम सबसे पहले इसको चला लेंगे। चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चावल। हम इसमें सारा चावल डाल लेंगे। अब हम इसको चलाएंगे। आज का हम ज्यादा ये नहीं देख पाएंगे, हम इसको मीडियम आंच में पकाएंगे। हम अब हम इसको चलाते रहेंगे। अब हम अपना खीर चला लेंगे। अब हम इस टाइम पे चलाते रहेंगे अपना खीर, नीचे से हम सकने नहीं दे रहे। अच्छा सा आप देख सकते हैं हमारे दूध में छाली बन रहा है। हम इसको भी अच्छा से इसमें चला के मिला लेंगे। डालेंगे इलायची पाउडर। हमने छोटा चम्मच से 1 चम्मच लिया इलायची पाउडर। हम इसमें अच्छे से डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे चीनी। अब हम इसमें डालेंगे, हमने यहाँ पर नारियल को कद्दूकस कर लिया था, इसमें हम सारा डाल देंगे। हमने काजू को हमने भून लिया है, आप चाहे तो ऐसे डाल सकते हैं। हमने काजू को भी ऐसे सॉरी किशमिश को भी हमने ऐसे भून लिया है, हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छा से चला लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी खीर बनके तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं हमारी खीर बनके तैयार हो गया है। इतने अच्छा से हमारी खीर ये हो गया। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। हम कटोरे में अच्छे से निकाल लेंगे हमारी खीर। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बन के तैयार हो गया है हमारी खीर बहुत कम समय में। अब हम ऐसे करके हम बिल्कुल निकाल लेते हैं।